आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, सुन लें। भाई जेलम के अंदर बहुत तरह के बिजनेसेस होते हैं जो कि ज़्यादातर सक्सेसफुल होते हैं। तीन तरह के भी कह सकते हैं लेकिन मेन दो बिजनेसेस होते हैं अगर आप जेलम में हैं और लोकल हैं जेलम के, यानी कि जेलम में रहने वाले हैं। तो भाई सबसे पहला बिजनेस जो होता है वो होता है आपका फूड का, या तो आप कोई फूड रखें। इस वक्त मैं एक ऐसी शॉप के सामने हूँ जो कि मेरे अपने आई थिंक फालू जो हैं वो ओन करते हैं और वो यहाँ पर जो है वो वर्क भी करते हैं एज वेल। ऐसे वैसे कभी उंगली कटी है आपकी? नहीं ऐसे नहीं कटती, क्योंकि ऐसे ऐसे रखे ना फिर उंगली नहीं कटती। हाँ मजबूर भाई आपके पास क्या क्या आइटम होते हैं जो आप? मेरे पास फ्राई रोटी है, चिकन टिक्का रोटी है, चिकन लेग पीस है, ब्रेस्ट पीस है, सीख पाव है, चिकन वाले बीफ वाले, एक सारी आइटम के जो है वो नॉन भी बनाते हैं और टिक्का कबाब और मलाई रोटी निकड़ाई में फ्राई करके भी देते हैं। आपके वैसे सबसे जो फेमस यहाँ पे है उनमें से कौन सा आइटम है जो आपको खुद भी अच्छा लगता है और आपका रनिंग में भी बहुत ज़्यादा है? रनिंग में ज़्यादा है मलाई रोटी, उसके बाद चिकन टिक्के की कढ़ाई करके। अच्छा हमने सुना है कि आपकी जो चटनी है उसकी कोई खास फेमस आपने सीक्रेट रेसिपी रखी हुई है? मैंने कोई सीक्रेट नहीं हमने तो काफी इसकी फेमस बन सुना है, इसमें कुछ आप खास फेमस है आज हम उसको वैसे एंजॉय करेंगे। अभी करें बस ड्रग्स तो नहीं डाल रहे भाई? ये इन लोगों की चटनी है और मैंने वैसे बहुत सुना है कि इन लोगों की चटनी आई है, ये उस दिन हमारे घर में भी आई थी एग्जैक्टली यही वाली चटनी और मैंने बैठ के आई थिंक पूरा प्याला खाया था, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि इस चटनी का ओरिजिन क्या है। तो भाई इस दफा हम लोग दोबारा आए हैं जेलम में गोलगप्पे खाने, इस दफा मामू हमें लेके आए हैं, ये वही वाले मामू हैं जो हम आपको एक दूसरी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो सेम एग्जैक्टली मामू वो कह रहे हैं भाई आपने सही जगह से गोलगप्पे नहीं खाए, तो इस दफा हम लोग सही जगह से गोलगप्पे खा रहे हैं ना मामू? इंशाल्लाह आप खाएंगे, अभी आप सफर करें। तो ये मामू इस दफा गोलगप्पे खा रहे हैं, हाय 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 ठीक है। अब इस दफा मैं प्रोफेशनल हो गया हूँ कुछ हद तक गोलगप्पे खाने में। तो भाई अभी मैं कैचअप वाला गोलगप्पा भी खाने लगा हूँ जो कि पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो कैचअप प्लस ये सॉल्टी सॉस टाइप चीज़, ये एक्सट्रीमली स्पाइसी, क्योंकि इनका वैसे नॉर्मल भी स्पाइसी है लेकिन इतना बड़ा मुंह नहीं है बेचारे का ये है वैसे इसके अंदर ना वो एक एक्सट्रीम किक है एक तरह की ना।